Hello students, in previous class we discussed the structure of ovule. In structure of ovule we discuss what is gelagella and what is micropylar and integument, embryo sac, ये सब हमने देख लिया था. Now in this class we discuss what is megasporogenesis. Megasporogenesis क्या होता है देखो. मेगास्पोर और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. मेगास्पोर की फॉर्मेशन मीन्स मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ प्लॉयड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड MMC. वहां पे आपने देखा होगा, हमने वहां पे क्या देखा था, स्पोरोजिनस टिश्यू देखे थे, टेपिटम वाली लेयर थी, टेपिटम वाली लेयर में अंदर वहां पे क्या पड़े हुए थे, स्पोरोजिनस टिश्यू थे. और स्पोरोजिनस टिश्यू में हमने क्या देखा था कि स्पोरोजिनस टिश्यू में ईच सेल हैविंग द कैपेबिलिटी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर. ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट थे तो यहाँ पे भी तो कोई सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो मेगास्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल्स हैं. ये मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है वो देख लेते हैं. मेगास्पोर मदर सेल्स जैसे हमारे पास ये देखो ओव्यूल का डायग्राम है, ये ओव्यूल का डायग्राम था. ओव्यूल के डायग्राम पे ये हमारा क्या था, यहाँ पे न्यूसेलस वाला पोर्सन है. न्यूसेलस वाले पोर्सन पे भी जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा सेल होता है, ठीक है, बड़ा सा सेल होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, PMC भी बोल देते हैं, ठीक है, या MMC भी बोल देते हैं, ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेगास्पोर सेम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस है. हैप्लोइड मेगास्पोर बनेंगे डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल से क्योंकि इनमें कैपेसिटी होती है टू फॉर्म मेगास्पोर, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. देखो वही लिख दिया माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन देखा था, माइक्रोपाइलर रीजन ये बरा भाई, माइक्रोपाइलर रीजन पे क्या है, जो न्यूसेलस है उसके पास सेल्स होता है बहुत बड़ा सेल जिसमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल डेंस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है. ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. ये मेगास्पोर मदर सेल्स हमारे पास डिप्लॉयड है जैसे कि हमारे पास माइक्रो मदर सेल्स डिप्लॉयड था. अब ऐसे ही ये है जैसे, तो अब इसमें क्या होगी, सेम जैसे माइक्रोस्पोर में हुआ था मदर सेल, तो इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी. मियोसिस होगा तो क्या होगा, टेट्राड बनेगा. लेकिन फर्स्ट जैसे क्या होगा, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर जाता है, देखो ट्रांसवर्सली डिवाइड कर गया दो सेल्स में, जिसको हमने नाम दे दिया मेगास्पोर डायोड, डायड. डायड का मतलब ही क्या होता है, दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है. कौन डिवाइड किया है, ये जो हमें माइक्रोपाइलर एंड पे जो एक बड़ा सा सेल मिला था जिसको हमने क्या नाम दिया, मेगास्पोर मदर सेल्स. ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके मियोसिस डिवीजन होगी इनमें, मियोसिस डिवीजन होके ये दो सेल बना लिए जिनको हमने नाम दे दिया मेगास्पोर डायड. फिर ये दो मेगास्पोर डायड फिर से इसमें मियोसिस डिवीजन हुई तो अब क्या बन गए, मेगास्पोर टेट्राड. इस तरह से मेगास्पोर टेट्राड या लीनियर टेट्राड भी इसको बोल देते हैं. देखो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल्स फर्स्ट डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्सली इनटू द टू सेल्स, ये दो सेल्स में डिवाइड हो गए जिनको हमने डायड का नाम दे दिया है. ये टू सेल्स अगेन डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्सली ही, जिसकी वजह से लीनियर रो ऑफ फोर हैप्लोइड सेल्स, ये चार हैप्लोइड सेल्स जो हैं प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया मेगास्पोर टेट्राड और लीनियर टेट्राड. इन चार मेगास्पोर मदर जो चार मेगास्पोर हमारे पास बने हैं इनमें से केवल एक ही फंक्शनल होता है, बाकी के जो तीन जो हैं वो डिजर्नेट हो जाएंगे. जो वन एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर वो डेवलप हो जाएगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक में. और इस तरह की डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल देते हैं, मतलब कि अब हमारे पास क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बन गया. एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट उसके सेल्स एंडीपोडल सेल्स सिनर्जिड्स पोलर न्यूक्लियाई ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है. मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन. मेगास्पोर की फॉर्मेशन किससे हुआ, मेगास्पोर खुद में क्या है, मेगास्पोर खुद क्या है,
हैप्लॉयड है, किससे बना है? डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बना है। ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट है? न्यूसेलस वाले पोर्शन में, माइक्रोपाइलर एंड के पास। जैसे वहां पे हमारे पास टेपेटम वाली लेयर में अंदर क्या प्रेजेंट था? वहां पे प्रेजेंट था हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बने थे, ठीक है। इसी तरह से इसमें मेगास्पोर बनते हैं। अब इसमें क्या होगी? हमारी मियोसिस डिवीजन होगी। मियोसिस डिवीजन होगी, ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा दो में, मेगास्पोर डायोड बन जाएगा। अब ये दो की फिर से डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, फिर से ये चार में डिवाइड कर जाएगा, मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। अब क्या होगा? इनमें से सिर्फ एक ही रहेगा फंक्शनल, बाकी तीन क्या हो जाएंगे? डीजर्नेट। और जो एक जो फंक्शनल रहेगा वो चेंज हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। मतलब कि एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, नाम से पता चल रहा है जो हमारा फीमेल गैमेट है वो कहां प्रेजेंट है? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट के अंदर प्रेजेंट है। अब एक की बात की थी, एक जो है वो रहा है हमारा फंक्शनल, इसलिए इस तरह की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक, एक स्पोर डेवलपमेंट बोल देते हैं। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आई होगी मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोसाइट इन डिटेल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।